इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी कड़ी में आज जानेंगे हम 6 जनवरी का इतिहास कि इस दिन देश दुनिया में क्या कुछ हुआ, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। तो शुरुआत करते हैं साल 1838 से। इस दिन सैमुअल मॉर्से पहली बार दुनिया के सामने टेलीग्राफ तकनीक को लाए थे, जो भविष्य में दूरसंचार का आधार साबित हुई। साल 1824 में फ्रांस के लेखक और साहित्यकार अलेक्जेंडर डोमा कनिष्क का पेरिस में जन्म हुआ। आज के दिन यानी 6 जनवरी 1861 में रोमानिया देश अस्तित्व में आया। साल 1929 में भारत में रोगियों और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए मदर टेरेसा कोलकाता आई थी। 6 जनवरी 1955 में मिस्टर बीन के किरदार से दुनिया भर को दीवाना बनाने वाले सर रोवन सेबेस्टियन ने दुनिया में पहला कदम रखा। साल 1989 में इंदिरा गांधी की हत्या के दोषियों सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी दी गई। साल 1947 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत का विभाजन स्वीकार कर लिया था। आज ही के दिन साल 1983 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहली बार आंध्र प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। साल 2010 में आज ही के दिन नई दिल्ली में यमुना बैंक आनंद विहार सेक्शन के मेट्रो रेलों का परिचालन आरंभ हुआ। तो ये थी 6 जनवरी की महत्वपूर्ण घटनाएं। ऐसी ही तमाम खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। और आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और जाने से पहले चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।